बहुत सिर्फ और सिर्फ सूरह फातिहा जो है वो पढ़नी चाहिए।
उसके बाद खामोशी के साथ कुरान मजीद जो है वो सुनना चाहिए, खामोशी के साथ आम पर। तो बाकी जो अगर सिटन हो तो फिर अपनी मर्जी है कि इमाम साहब अगर देते हैं तो साथ में सुन मिला लें, वरना सुन पाते हैं रिवायत कट जाए। और इसको इसलिए नमाज कहा गया कि हदीस में आता है कि मेरे और बंदे के दरमियान आग लगती जब कहता है तो फरमाया कि बंदे ने मेरी तारीफ की, मेरी जो है वो बुजुर्गी बयान था। और जब बंदा कहता है या करना हुआ या करना फरमाया मेरे को बंदे के दिन में आग की आदत है, आग की कैसे बंदा का तारीफ कर और आग की सब बंदा का कसम मांगता है। तो इसलिए इसको सूरह सलात की जो है कहा जाता है। और बाद में मैं पढ़ रहा था इसके 27-28 नाम है, वक्त कम है पर मैं आपको 27-28 को पूरी तफसील को तो वो दो चार दिन इसी में मिल जाएंगे। यानी कि सूरह फातिहा के 27-28 नाम हैं मुख्तलिफ अहादीस में, इसकी फजीलत को सबुल मसानी की सिफा आयत है नसात बार बार पुरानी जाने वाली आया तो चूंकि की पुरानी ये ही ऐसी सूरत है जो अल्लाह ने नमाज में रखी और बार बार इसकी तकरार होती है, बार जो भी खैर अच्छाई पाई जाती है उसकी वजह यह कि उसको अल्लाह ने पैदा किया। अगर अल्लाह उसको पैदा ना करते तो वो अच्छाई पाई जाती। आप किसी भी मकान की तारीफ करते हैं तो असल में बनाने वाले की तारीफ है, इसने बनाने वाले ने बड़ा अच्छा बनाया। इसी तरह किसी आप लिखाई की तारीफ करते हैं कि लिखाई किसी ने बड़ा खुशखत करके लिखा है तो असल में आपने जिसने इसको खुशखत करके लिखा है उसकी तारीफ है। तो इसी तरह दुनिया में जो भी नेकी जो भी अच्छाई पाई जाती है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने बाद में उसको पैदा किया। अगर अल्लाह ताला उसको पैदा ना करते उस नेकी को या उस बंदे को तो भाई वो भी कैसे पैदा होता। अम्बिया ने सलात को सब जब तारीफ करते हैं बहुत नेक थे पर तो उनको नेकी खत्म हो जाती है तो भाई वो उसकी वजह से रखते हैं तो उनको अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह ताला ने उनको हदायत दी वो भी अल्लाह ताला की हदायत के मुताज होते हैं। तो जब अल्लाह ताला की ज़ात ने बाद में उनको हदायत दी तो इसका मतलब ये हुआ कि नोट एक बात सब तारीफ अल्लाह की। और ये भाई आज के हवाले से आपके बाद चलेगा कि मौजूद इन शाला आप सूरह फातिहा की तफसील बयान करेंगे। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह में ये ना शुक्र का कलमा है, शुक्र जब खाना खा ले और ये जन्नतियों का तराना है कि जन्नती जब जन्नत में जाएंगे वो यही कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब तारीफ जो है वो तेरे लिए। और इसलिए हमें कहा जाता है कि हम जो है अल्लाह ताला की तारीफ करने वाले हैं तो उठते बैठते शुक्र पैदा करता है। कैसे तो बंदा क्यों तो तुमने बड़ा अच्छा काम मेरी कोई इसमें ताकत ना हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह ना मैं देखी कर सकता हूँ ना गुनाह से कर सकता हूँ सिर्फ अल्लाह की तौफीक से। भाई अल्लाह ने की कर जिसने ये दिल में डाल दिया तो कबूल टूट गया मेरा फन मेरी जुबान मेरा बाल मेरा हुस्न मेरी जवानी मेरी ताकत मेरी सेहत मेरी चुराहट मेरे बच्चे सब खत्म हो जाता है जब बंदा कहता है अल्लाह ने देता। भाई मैं तो कुछ भी नहीं जो